हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। टीकमगढ़ जिले के लेदोहरा थाना के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 खुशीपुरा मोहल्ला में एक 62 वर्षीय वृद्ध ने फांसी लगाने का मामला सामने आया है। जब हमने उनके परिजनों से बात की तो उनका आरोप है कि मंगलवार की रात्रि से खाना खाकर वह खेत पर चले गए थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। हम लोगों ने सभी जगह खोजबीन की थी, लेकिन कहीं पर सुराग नहीं मिला था। जिसका शव रात्रि 9 बजे सतगुआ गांव के जंगल में पाया गया है। कहाँ चली गई थी? हार खो चली गए 8 बजे। कब? हम हार खाए चली गए। कब चली गई थी? 8 बजे। कौन से दिन को? मंगल को। अच्छा, फिर आपको इस बारे में कैसे जानकारी मिली? सतगुआ के सूरज ने लगी था, कुछ नहीं, किसी से नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा कभी? किसी से नहीं। रोटी खा के सीधे कुगा पे चले गए। कब चले गए थे? बेगा थे वही शाम के 8:30 बजे के आसपास। सुबह क्या मतलब कुगा पे होंगे। अच्छा, फिर सुबह हमने देखा जी अभी तक नहीं आए, शाम तक उनके जो चला मान को फांसी लगा ली। कितने दिन पहले चले गए थे यहाँ से, घर से? जे गए थे वही 8:30 बजे के आसपास। कब? परसों। आप लोगों को कैसे सूचित मिला, कैसे पता चला? वो ऐसा मिला के फोन किया एक जैन ने, तो देखो आपके दादाजी हैं कौन है। हम लोग गए वहाँ पर, देखा तो आपके दादाजी हैं। कहाँ गए थे? हम गए पार्टी हो जाऊँ। जो इनका सब पाया गया है कहाँ पे मिला है, कौन से, जैसे कि हार होता है कुछ ना कुछ तो होता है? सतगुआ हार पाया है। सतगुआ किस हालत में देखा था आप लोग जब पहुँचे थे? टंगी हथी पेड़ पर। कब चले गए थे घर से? मंगलवार। आप लोगों को कुछ भूल के गए? नहीं, बस खाना पीना खाए थे, वहाँ चले गया शाम को। क्या मामला है? हाँ, पड़े वो शराब पीता था और थोड़ा सा दिमाग से भी वैसे ही शराब पीने के कारण उसका थोड़ा सा दिमाग भी वैसे जिद्दी टाइप का हो गया था। जी जी। जिस वजह से उसने फांस लगाई और अभी तो जांच चल रही है भी, हालांकि उसकी पूरी अभी आगे क्या निर्णय निकल के आता है। फिर मर कायम कर उसका पीएम करवा दिया गया है जी। पंचनामा कार्रवाई हो गई है जी। तो उसका पोस्टमार्टम भी हो गया है, अब उसके बयान लिए जाएंगे और भी तथ्य देखे जाएंगे, उसके आधार पर जो पाया जाएगा वो होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।